आरिफा है, मैं श्रीनगर कश्मीर से रिलेट करती हूँ। हमने क्राफ्ट मैनेजमेंट किया तो हमें फील्ड विजिट्स के लिए ले जाते थे आर्टिजन्स के घरों में, तो आर्टिजन्स की हालात देखकर और उनका जो समस्या प्रॉब्लम्स जो थी, जैसे कि हमारा क्राफ्ट डाई हो रहा था और हमारे आर्टिजन छोड़ रहे थे, उनके पीछे जो वजह थी वो यही थी कि आर्टिजन को सही वेजेस मिल नहीं पा रही थी और जो हमारा क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बहुत उसकी इमेज डैमेज हो चुकी थी। मुझे जो भी करना है कश्मीर के लिए करना है और मैं कश्मीर में रहकर ही करूँगी। फिर रिवाइवल ऑफ नमदा मैंने चूज़ किया। हमारे यहाँ बहुत सारे क्राफ्ट जो है वो लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स माने जाते हैं, उनको 50 रुपीज़ पर डे वेजेस मिलती थी और लेडीज़ वो तो करने के लिए तैयार ही नहीं। फिर उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसको एक्सपोर्ट भी 98% से वो 2% पहुंच गया था। नमदा हमारे यहाँ जो मैंने रिवाइव किया है वो हमारे यहाँ वूलन फेल्टेड कारपेट होता था, तो रिसेंटली फिर हमने 25 आर्टिजन्स लेडीज़ का जो पर्टिकुलरली लेडीज़ का ग्रुप है आरी एम्ब्रॉयडरी का, उनका लिया और 28 लेडीज़ जो पश्मीना स्पिनिंग करती है, तो ये सब 5 years इन 7 सालों में मैंने इतना एक्सटेंड किया। नई जनरेशन जो भी है उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि जॉब ढूंढने से बेहतर है कि जॉब क्रिएशन में वो काम करें। Oh,